हाँ तो बच्चों, यहाँ देखिए, EDD फर्स्ट का मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आपके सामने लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है। मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं क्या, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू EDDE फर्स्ट, ठीक है? EDD फर्स्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्लीज़ काइंडली अटेंशन हियर। यहाँ पे पहला जो आपका तीसरा चैप्टर है, पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है? इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज्ड हैं कि सर इसके मटेरियल हम नहीं दिए हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें सिलेबस में है क्या, EMCB, ELCB, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? इसमें है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है, जो जो आपका इंटरनल वायरिंग में जो वायरिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे पहले एनर्जी मीटर, उसके बाद मेन स्विच, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीपल सर्किट निकलते हैं, उसका मैंने इंटरनल वायरिंग में इसको समझा दिया है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कहिए चाहे डोमेस्टिक वायरिंग अरेंजमेंट कहिए, मतलब वायरिंग की व्यवस्था घर में जो होती है उसको हमने दिखा दिया है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है, औद्योगिक संस्थापन। तो जो मैंने पावर वायरिंग में आपको बताया है वायरिंग अरेंजमेंट, जैसे पहले TPIC स्विच था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था पूरा, ठीक है? वहाँ से मल्टीपल सर्किट निकले थे, उसी को हम कहते हैं क्या, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलिंग, क्योंकि इंडस्ट्री मैक्सिमम मोटर ही होता है, मोटर को ही सप्लाई देते हैं। तो वहाँ पे पावर वायरिंग में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यानी कि तीसरे चैप्टर को मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ भी है लगभग मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। रही बात चैप्टर 4 की, इसमें है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पिन इंसुलेटर है, सस्पेंशन इंसुलेटर है, स्टे इंसुलेटर है, रोटर आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इनका फिगर बुक में दिया हुआ है, आपको देखना है, उसको सेम कॉपी कर लेना है, ठीक है? बहुत सारे डायमेंशन है उसमें, लेकिन मेन मेन डायमेंशन को आप दर्शाइए, बस उसको केवल देख के बना लेना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो ये आपका चौथे चैप्टर में हो गया। उसके बाद पाँचवा चैप्टर क्या है, कैड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें होता क्या है, जैसे आप जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, ड्राइंग शीट पे बनाते हैं और पेंसिल रबड़ की सहायता से बनाते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप जानते ही हैं, ड्राइंग हॉल में तब लगातार 2 लेक्चर में बैठते हैं, 4 लेक्चर में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तब जाके आपको एक सीट बनती है। तो अगर ऐसे ही बनने लगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट हो चुका, वायरिंग अरेंजमेंट हो चुका। तो इसीलिए किया क्या गया, हर इंजीनियरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसको हम कैड बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल का अलग, सिविल का अलग, सब के लिए जो है सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इनका काम क्या है, ड्राइंग बनाना, ठीक है? आप कंप्यूटर पे पूरा सर्किट अरेंज कर लेंगे, पूरा आप प्लान बना लेंगे कंप्यूटर पे ही, आप प्लान बना के उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे, मतलब 1 मिनट के अंदर ही आप पूरा अच्छे तरीके से आप प्लान बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं, ठीक है? आपको बस वहाँ क्लिक करना है, फिगर बनाना है, क्लिक करना है, फिगर बनाना है, ठीक है? यानी कि जब वो कंप्यूटर पे आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसी को क्या किया गया है, कैड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? तो चूंकि हम यहाँ कंप्यूटर पे बनाना सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ नहीं हो पाएगा, ये तो आपको खुद कहीं जा करके सीखना पड़ता है, ठीक है? वैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि वायरिंग बिना कैड की सहायता से की जाती है। आज के समय में आप देख ही रहे हैं, बस लाइनमैन आया, एरिया देखा, फिर अंदाजे से सारी चीज़ें, सामान मंगाया, वायरिंग करना शुरू कर दिया, वो कहाँ का कोई ड्राइंग वायरिंग लाता है। हाँ, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें, सिविल में। सिविल में जो घर बनेगा बिना आपके ड्राइंग सीट से नहीं घर बन सकता, ऐसे अटेंडेंटली घर नहीं बनेगा, पहले उसका ड्राइंग बनता है। तो वहाँ कैड का बहुत ज़्यादा यूज है सिविल में, ठीक है? वहाँ बिना डिजाइन के, बिना ड्राइंग के घर नहीं बनाया जाता है, ठीक है? इसीलिए सिविल वाले लड़के इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कैड को, होता हर ब्रांच का है, ठीक है? कैड इज नथिंग, सिंपली ए सॉफ्टवेयर। बाई यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन ड्रा द ऑल ड्राइंग। आप इससे क्या कर सकते हैं, सारे ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो था EDD फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा EDD फर्स्ट में जितना चैप्टर है मैंने सब कवर किया है, आप सब जो है मेरे यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग में मिल जाएगा। आप इसको ना केवल देखिए बल्कि अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि ये जो है यूनिक है, काम किए हैं हमने आपके इस प्लेटफॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरे EDD फर्स्ट को पढ़ाया है।
इसको कहीं आपको पूरा इस तरह से प्लेलिस्ट भी बनाया है, कहीं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। और इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अगर कहीं से आपको कुछ सुझाव और सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और मोटिवेट कर देंगे इसको, ठीक है, अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इन सारे फिगरों को ज़रूर अटैच में रखिए, सारे चैप्टर्स को पढ़िए। मुश्किल से अगर एक दिन पूरा हमारा वीडियो देख लिए तो एक दिन में पूरी ड्राइंग आपको कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।